उज्जैन से हैं शमशाद जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम अस्सलाम मैम। डॉक्टर को भी अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम, खुश आमदीद। डॉक्टर मैं ना मैंने बोन खिया मंगवाया था, मेरे हाथों में बहुत दर्द रहता है, तो है ना उसमें कुछ परहेज है क्या? ठंडा और खटाई इसके परहेज है कुछ? ठीक है जी। और हकीम साहब एक और सवाल है मेरा, वो है ना मेरी बेटी है, उसको 15 दिन तक एज रहता और बहुत ज्यादा रहता है, तो ठीक उसको है। गौन सिया गौन सिया को खाने वाले को बस ये परहेज है कि वो ज़्यादा मेहनत नहीं करें, झाड़ू पोछा ना करें, और वेस्टर्न टॉयलेट जो कुर्सी वाला शौचालय है वो यूज़ करें। कुछ दिन जब तक इलाज चल रहा है ज़्यादा मेहनत ना करें, बस यही परहेज है। खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। और बच्ची को रोज़ाना एक खुराक, देखिए ये आप जानते हैं, इसबगोल की भूसी, इसबगोल की भूसी 1 चम्मच पानी में मिलाएं या दूध में मिलाएं, जैसे बच्ची को आसानी हो। 1 चम्मच, और शक्कर वगैरह मिला लें, मीठा कर लें ताकि उसको अच्छा लगे, और 1 चुटकी गौन चिलगोज़ा उसमें मिला दें। और ये एक खुराक रोज़ दिया करें बच्ची को, और 2 महीने लगातार दें, तब उसको फ़ायदा मुमकिन है।